देखिए, देश में चीज़ें किस तरह बदल रही हैं, समाज में किस तरह बदलाव आ रहा है, किस तरह सनातन के लोग जागृत हो रहे हैं, उसका एक उदाहरण आज देखने को मिला। ये इंदौर में महालक्ष्मी नगर कॉलोनी है, पॉश कॉलोनी, इसका एक मैदान है इसी क्षेत्र का, जहाँ पर ये कार्निवल लगाया गया था क्रिसमस के लिए। तो बच्चे, स्कूल के बच्चे, बच्चों को सेंटा बनाकर लाया गया, लाल टोपियाँ बनाई, कार्टून बनाया उन्हें, और यहाँ पर एक प्रहसन सा किया गया। तो रैली निकाली और बादशाह के गाने और हनी सिंह के फुहड़ गाने, इन फुहड़ गानों पर बच्चों को डांस करवा गया, आँख मार ले और तमाम तरह के जो धूर्त मूर्खतापूर्ण गाने होते हैं, तो ये किया गया। अब ये आधे पौन घंटे तक चला और खूब शोर शराबा हुआ, लेकिन तभी ये हुआ कि जो सामने मल्टी है, बालाजी हाइट्स, इसके लोगों ने सुना। तो आधे घंटे तक तो उन्होंने सुना कि अरे यार ये क्या चल रहा है, किस तरह से, और फिर उन्होंने अपने जो कॉलोनी के स्पीकर से मंदिर के जहाँ आरती होती है उसमें ज़ोरदार आवाज़ में उन्होंने वो गाने लगा दिए, भजन, कि बच्चा बच्चा बोलेगा, जय जय श्री राम बोलेगा, भारत का बच्चा बच्चा और सनातन गाने, और ये फुल आवाज़ में, इतनी फुल आवाज़ में चला है कि इन्हें जो है अपना ये नाटक नोटंकी प्रहसन बंद करना पड़ा। और अब हुआ ये कि जो बच्चे पहले यहाँ बादशाह के फोर गानों पर डांस कर रहे थे क्रिसमस कार्निवल में सेंटा बन के, लाल टोपी पहन के, उसमें से आधे बच्चे निकल के उस कॉलोनी के, उस मल्टी के अंदर चले गए हैं, और वहाँ वो भारत का बच्चा जय श्री राम बोलेगा पे डांस कर रहा है। तो ये कमाल का है, छोटा सा बदलाव है, लेकिन ये चावल, हांडी का जो चावल होता है उसकी तरह बताता है कि किस तरह समाज में अब बहुत स्पष्ट लकीर बन रही है कि नहीं, ये हमें नहीं करना है और हमें ये करना है। इसमें भी कई बच्चे हिंदू हैं, चूँकि स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, कई हिंदू टीचर्स हैं, तो उन्होंने भी बच्चों को जाने दिया और अब ये खामोश हो गए हैं, चुपचाप बैठ गए हैं, और शोर शराबा और आनंद और मस्ती सब वहाँ चल रहा है। तो ये छोटा सा बदलाव है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। अब सनातन के लोग खामोश बैठ के, चुप बैठ के, शांत बैठ के नहीं रह जाते कि चलिए ठीक है, सब चल रहा है, चलता होगा, सॉरी, और वे रुकते हैं, वे अब प्रतिकार करते हैं, बौद्धिक रूप से करें, आवाज़ के रूप में करें, अब अपनी एग्रेशन दिखाते हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं है, जो हो रहा है ये, अब हमें ये करना होगा। तो ये जो भी है, समाज की हार्मनी बनी हुई है, ठीक है कि दोनों तरफ ये चल रहा है, लेकिन अंततः वो पक्ष भी अब अपनी बात कहना सीख रहा है, सीख गया है बीते 7-8-10 वर्षों में। तो ये एक बदलाव है, महत्वपूर्ण है, मुझे लगा चिन्हित किया जाना चाहिए, अब तक पहुँचाया जाना चाहिए, तो पहुँचाया गया। जय हो।